नाजिंगराम आदाब। नाजिंगराम, इस वक्त बालेश्वर के एक मकामी मंडप में बीजेपी महिला मोर्चा का जो है ज़बरदस्त मीटिंग रखा गया है। हमारे साथ जो डॉक्टर ऐश्वर्या बिस्वाल, ओडिशा महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट, हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टेज में आप देख सकते हैं कि बालेश्वर के एमपी प्रताप चंद्र सारंगी मौजूद हैं, बालेश्वर के सदर के जो है प्रेसिडेंट उमाकांत महापात्रा जी मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद रहकर जो है इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर ऐश्वर्या बिस्वाल जी हैं। मैडम, किस तरह देख रही हैं ये जो मीटिंग है, इलेक्शन से पहले आप लोग इकट्ठा हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह देख रही हैं इस मीटिंग को? देखिए, बहुत ही एनकरेजिंग एटमोसफियर है, बहुत ही उत्साह है महिलाओं के अंदर आने वाले निर्वाचन को लेकर। और इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि आजकल जो निर्वाचन होता है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। महिलाएं जिनको वोट देती हैं वही इलेक्शन जीतते हैं, और महिलाएं जिस तरफ मुड़ती हैं उस तरफ सरकारें बनती हैं। जैसे बिहार के इलेक्शन में जो साइलेंट वोटर्स की बात उठी और जो महिलाओं को वो एक अलग से ही देखा गया, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि एक घर की महिला है, उनको जो भी बोल दो वो उसी पार्टी में वोट दे देंगी। पर आज के दिन में ऐसा नहीं है। महिलाओं का एक स्वतंत्र चिंतन है, एक स्वतंत्र रुचि है, और वो अपना वोट भी सोच समझ के दे रही हैं। आज हम लोग यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, वहाँ पे कुछ दिनों से जो महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा हिंसा, महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा दुष्कर्म और महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं उड़ीसा में, जैसे आप NCRB रिपोर्ट देखेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, तो उसमें पता लगेगा कि महिलाओं की संख्या जो पुरुषों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा घटी है। अभी 925:1000 मेल है। अगर राज्य में 1000 पुरुष हैं तो उनके मुकाबले 925 महिलाएं हैं। पहले ये हुआ करती थी 950 के आसपास। तो इसलिए हमको अगर देखें तो महिलाओं की संख्या भी बड़ी कमी है, घटी है राज्य में। और जो खुदकुशी है, जो महिलाएं जो आत्महत्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, 600% से ज़्यादा बढ़ी हैं NCRB रिपोर्ट के अनुसार। बहुत ज़्यादा महिलाओं को ट्रैफिकिंग किया जाता है, किडनैप किया जाता है, बच्चों को किडनैपिंग किया जाता है। 23 साल के शासन में महिलाओं की बहुत दुर्दशा हुई है। बीजेडी के 23 साल के शासन में महिलाओं की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हुई है। और हम लोगों की ऐसा मानना है, ऐसा आशा है कि महिलाएं आगे सुरक्षित रहे, उनको उनके लिए जो काम है वो मिले, उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। और इसी कामना के लिए हम लोग एक आलोचना चक्र कर रहे हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार कैसे दिया जाए। आपको नहीं लगता, क्योंकि BJD जो है जो यहाँ पे शासन कर रही है, तो ये उसमें महिलाओं को हमेशा कहा जाता है कि महिलाओं को इज्जत दी जा रही है, महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपको कहीं नहीं लग रहा है कि महिलाओं को अगर इज्जत मिल रही है? अगर जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो 948 से 925 तक आती है, तो वही बताता है, वो डेटा ही बताता है कि महिलाओं की कितनी इज्जत दी जाती है। क्योंकि जहाँ पे हरियाणा जैसे राज्य हैं जहाँ पे महिलाओं की तुलना हमेशा से पुरुषों से कम रही है और घटती भी जा रही थी, पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे एक सुंदर पॉलिसी में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। उड़ीसा में अगर हम देखें कुछ साल पहले की बात करें, 60s 70s में, तो 1035 फीमेल इज टू 1000 मेल था, ऐसा रेशियो था। तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, पर आजकल घटती जा रही है, और वही एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं, और माँ बाप नहीं चाहते कि एक उनके घर में एक शिशु कन्या आए। तो किस तरह आगे 2024 का जो है पूरा, बालेश्वर में आप तो आई हैं, तो बालेश्वर की महिलाओं से क्या अपील रखना चाहेंगी कि 2024 में किस तरह बदलाव आप देखना चाहते हैं? हम लोग ये अपील रखना चाहेंगे, महिला मोर्चा जैसी हमारी है, कि हम लोग बोलते हैं तुम फूल नहीं चिंगारी हो, तुम भारत की नारी हो। तो हम लोग जो लड़ने के लिए हम तैयार हैं, जो किससे लड़ने के लिए तैयार है, महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, महिलाओं के ऊपर जो भेदभाव हो रहा है, उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और आगे कैसे महिलाएं बढ़े, सशक्त भारत बने और महिला भी सशक्त हो, यही हम लोगों का अभिप्राय है, यही हम लोगों का गंतव्य भी है।
थैंक यू। तो ये हमारे साथ डॉक्टर ऐश्वर्या विश्वाल जी थे जो स्टेट के जो है महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट थी, और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ बालाशोर में जो है बाकायदा तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह महिला मोर्चा का जो है मीटिंग चल रहा है और आगे किस तरह 2024 में इसको लेकर जो है किस तरह महिलाएँ इकट्ठा होंगी अपना राय रखेंगी इसके लिए जो है तैयारी चल रही है बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से। आप देख रहे थे बालाशोर का ये नज़ारा था। इसी के साथ अजीम बालेश्वर तर्जुमान न्यूज़ टाइम बालाशोर ओडिशा।